नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए रेलवे 28 स्टील ब्रिज के निर्माण और खरीद का ठेका दिया। 1,390 करोड़ रुपए का ये ठेका लार्सन एंड टुब्रो और IHI इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के ज्वाइंट कंसोर्टियम को दिया गया है। इस कंसोर्टियम में एक भारतीय और एक जापानी कंपनी है। बुलेट ट्रेन के 28 ब्रिजों के निर्माण में लगभग 70,000 मीट्रिक टन स्टील लगेगा। आपको बता दें, बुलेट ट्रेन के 508 किलोमीटर के रूट का अधिकांश हिस्सा वायडक्ट पर होगा। 487 किलोमीटर वायडक्ट राष्ट्रीय राजमार्गों DFC ट्रैक्स और नदियों के ऊपर से गुजरेगा। वायडक्ट्स के PSC बॉक्स और गर्डर कंक्रीट से बनेंगे, जहां स्पान की आवश्यकता 60 मीटर से ज्यादा होगी, वहां स्टील सुपर स्ट्रक्चर का उपयोग होगा। दरअसल NHSRC की एडिशनल जनरल मैनेजर सुषमा गौर ने बताया कि 28 स्टील पुलों के निर्माण में कहीं 60 मीटर तो कहीं 130 मीटर तक के स्पान लगेंगे। सभी पुलों की कुल लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर होगी। इनके निर्माण में 70,000 टन से अधिक इस्पात लगेगा। मेक इन इंडिया के तहत भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है। लार्सन एंड टुब्रो ने 24,000 करोड़ का ये ऑर्डर मिलने के बाद कहा है कि हमने बुलेट ट्रेन के 46% हिस्से का काम 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसी साल के अंत तक काम शुरू किया जा सकता है, जिसमें उसके द्वारा वडोदरा से वापी रूट पर एलिवेटेड पुल, स्टेशन, रिवर ब्रिज और डिपो तैयार किए जाने हैं। बता दें, मुंबई अहमदाबाद के 508 किलोमीटर लंबे मार्ग पर दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन के किराए की बात अभी स्पष्ट नहीं हुई। हालांकि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक अधिकारी ने कहा था कि इसमें सफर करने के लिए करीब 3,000 रुपए चुकाने होंगे। महज 2 घंटे में इसके जरिए 508 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकेगी, यानी ट्रेन की रफ्तार लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।